नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात देहरादून उत्तराखंड में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। हम सफर मनपसंद हो तो गृहस्थी में खुशियों का दायरा बढ़ जाता है। जमाने की नजरों में दीपिका और राजेश भी खुश मिजाज दंपत्ति थे। करीब 8 साल पहले कॉलेज के दिनों में दोनों की मुलाकात हुई थी। पहले उनके बीच दोस्ती हुई, फिर कब वे एक दूसरे के करीब आ गए इसका उन्हें पता ही नहीं चला। प्यार हुआ तो खूबसूरत दीपिका ने राजेश के साथ उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाई। दोनों के लिए जुदाई बर्दाश्त से बाहर हुई तो परिवार की रजामंदी से दोनों वैवाहिक बंधन में बंध गए। 1 साल बाद दीपिका एक बेटे की माँ भी बन गई। राजेश का परिवार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र स्थित तपोवन एनक्लेव कॉलोनी में रहता था। दरअसल राजेश के पिता प्रेम सिंह राणा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गांव सफदरपुर के रहने वाले थे, लेकिन बरसों पहले वो उत्तराखंड में आकर बस गए थे। दरअसल वो देहरादून की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करते थे। उनके परिवार में पत्नी और राजेश के अलावा 5 बेटियां थी, जिनमें से 2 का विवाह वो कर चुके थे। सन 2000 में पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और 3 बेटियों के हाथ पीले किए। राजेश और दीपिका एक दूसरे को चाहते थे, इसलिए प्रेम सिंह ने सन 2007 में उनके प्यार को रिश्ते में बदल दिया। आजीविका चलाने के लिए राजेश ने घर के बाहर ही किराने की दुकान कर ली थी। दीपिका का मायका भी देहरादून में ही था। प्रेम सिंह व्यवहारिक व्यक्ति थे, इस तरह बेटा बहू के साथ वो खुश थे। 4 मार्च की दोपहर के समय दीपिका काफी परेशान थी। शाम होते होते उसकी परेशानी और भी बढ़ गई। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो थाना रायपुर पहुंची। उसने थाना प्रभारी प्रदीप राणा से मुलाकात करके बताया कि सुबह से उसके पति और ससुर लापता है। थाना प्रभारी के पूछने पर दीपिका ने बताया कि आज सुबह वे दोनों अपनी सेंट्रो कार से बुलंदशहर जाने की बात कहकर घर से गए थे, लेकिन ना तो अभी तक वो वापस आए हैं और ना ही उनका फोन लग रहा है। दीपिका के अनुसार 65 साल के प्रेम सिंह शहर में रह जरूर रहे थे, लेकिन कभी कभी वो बुलंदशहर स्थित गांव जाते रहते थे। दीपिका से औपचारिक पूछताछ के बाद थाना प्रभारी ने उसके पति और ससुर की गुमशुदगी दर्ज कर ली। थाना प्रभारी ने भी राजेश और उसके पिता के फोन नंबरों पर बात करने की कोशिश की, पर दोनों के फोन बंद आ रहे थे। उसी रात करीब 2 बजे जब देहरादून के दूसरे थाने डोईवाला की पुलिस इलाके में गश्त पर थी, तभी पुलिस को देहरादून हरिद्वार हाईवे पर कुओं वाले के पास सड़क किनारे एक कार खड़ी दिखी। पुलिस वाले कार के नजदीक पहुंचे तो पता चला कि कार के दरवाजे अनलॉक्ड है। कार की पिछली सीट पर नजर दौड़ाई तो उसमें 2 लोगों के शव पड़े थे, जो कंबल और चादर में लिपटे हुए थे। कंबल और चादर पर खून लगा हुआ था। गश्ती दल ने फोन द्वारा ये सूचना थाना प्रभारी राजेश शाह को दे दी। 2 शवों के मिलने की सूचना सुनकर थाना प्रभारी उसी समय वहां पहुंच गए। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि दोनों की हत्या बेहद नृशंस तरीके से की गई थी। उनके शवों पर चाकुओं के दर्जनों निशान थे। दोनों की गर्दनों और शरीर के अन्य हिस्सों पर अनेक वार किए गए थे। दोनों के गले में रस्सी कसी हुई थी। थाना प्रभारी ने दोहरे हत्याकांड की सूचना आला अधिकारियों को दे दी तो SSP स्वीटी अग्रवाल, SP अजय सिंह व ASP श्वेता चौबे मौके पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने जब कार का निरीक्षण किया तो कार पर आग से जले के निशान भी मिले। इससे पता चला कि शवों को कार समेत जलाने की कोशिश भी की गई थी। निरीक्षण से ये बात भी साफ हो गई थी कि दोनों की हत्या कार में नहीं की गई थी, हत्या किसी अन्य स्थान पर करके शव वहां लाए गए थे। सुबह होने पर आसपास के लोगों को कार में शवों की जानकारी मिली तो तमाम लोग वहां जमा हो गए, पर कोई भी शवों की शिनाख्त नहीं कर सका। आखिर पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। पुलिस ने कार के बारे में जानकारी की तो वो दीपिका राणा के नाम पर पंजीकृत निकली, जो तपोवन कॉलोनी में रहती थी। तपोवन कॉलोनी शहर के ही रायपुर थाने के अंतर्गत आती थी, इसलिए थाना प्रभारी राजेश शाह ने रायपुर थाने से संपर्क किया। वहां से पता चला कि दीपिका ने अपने पति और ससुर के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। ये भी बताया था कि वे दोनों कार से ही बुलंदशहर के लिए निकले थे। कार में 200 मिलने की सूचना पर थाना प्रभारी प्रदीप राणा को शक हो गया कि कहीं वे सब उन्हीं बाप बेटे के तो नहीं है। उन्होंने खबर भेजकर दीपिका को थाने बुला लिया।
थाना प्रभारी प्रदीप राणा दीपिका को पोस्टमार्टम हाउस ले गए, जहां शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए थे। दीपिका शव देखते ही दहाड़ मारकर रोने लगी। कुछ देर बाद दीपिका के नाते रिश्तेदार भी एकत्र हो गए। दोनों शवों की शिनाख्त हो गई। दीपिका इस स्थिति में नहीं थी कि उससे उस समय पूछताछ की जाती, लेकिन हल्की पूछताछ में उसने किसी से भी अपने परिवार की रंजिश होने से इनकार कर दिया था। बड़ा सवाल यह था कि जब उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो उनकी हत्या क्यों और किसने कर दी। एसएसपी स्वीटी अग्रवाल ने इस मामले की जांच में एसपी तृप्ति भट्ट व एसओजी प्रभारी अशोक राठौड़ को भी लगा दिया। पुलिस की संयुक्त टीम हत्याकांड की वजह तलाशने में जुट गई। जहां कार मिली वहां आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि कार वहां पूरे दिन खड़ी रही थी, लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। इससे साफ था कि हत्याएं पहले ही की गई थी और कार सुबह किसी समय पर वहां छोड़ दी गई थी। दोनों हत्याकांड से पूरे शहर में सनसनी फैल चुकी थी। राजेश की बहन गीता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 302, 201, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मृतक राजेश व उसकी पत्नी दीपिका के मोबाइल नंबरों की कॉल रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया तो राजेश के मोबाइल की आखिरी लोकेशन 4 मार्च 2017 की तड़के लाड़पुर क्षेत्र में मिली, जो कि कुआवाला के नजदीक था। इससे पुलिस चौंकी क्योंकि दीपिका ने उनके जाने का समय सुबह करीब 9 बजे बताया था। कॉल डिटेल से ये स्पष्ट हो गया कि दीपिका ने पुलिस से झूठ बोला था। इससे वो शक के दायरे में आ गई। पुलिस ने दीपिका से पूछताछ की तो अपने बयान पर अड़िग रही। इतना ही नहीं, उसने अपने 8 साल के बेटे नोनू को भी आगे कर दिया। उसने भी पुलिस को बताया कि पापा को जाते समय उसने बाय किया था। पुलिस ने नोनू से अकेले में घुमा फिराकर चॉकलेट का लालच देकर पूछताछ की, तब भी वो अपनी बात दोहराता रहा। ऐसा लगता था कि जैसे उसे बयान रटाया गया हो। शक के बिना पर पुलिस ने दीपिका के घर की गहराई से जांच पड़ताल की, लेकिन वहां भी कोई ऐसा सबूत या असामान्य बात नहीं मिली जिससे ये पता चलता कि हत्याएं वहां की गई हो। लेकिन पुलिस इतना समझ गई थी कि दीपिका सातिर अंदाज वाली महिला थी। पुलिस ने दीपिका के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की फिर से जांच की तो उसमें एक नंबर ऐसा मिला जिस पर उसकी अक्सर बातें होती थी। 3 मार्च की रात को और 4 के सुबह सुबह 5 बजे भी उसने इसी नंबर पर बात की थी। पुलिस ने उस फोन नंबर की जांच की तो वो योगेश का निकला। योगेश शहर के ही गांधी रोड पर एक रेस्टोरेंट चलाता था। योगेश के फोन के कॉल रिकॉर्ड को चेक किया तो उसकी लोकेशन भी उसी स्थान पर पाई गई जहां शव बरामद हुए थे। माथा पच्ची के बाद पुलिस ने कड़ियों को जोड़ लिया था। इस बीच पुलिस को यह भी पता चला कि दीपिका और योगेश के बीच प्रेमी रिश्ते थे, जिसको लेकर घर में अक्सर झगड़ा होता था। इतने सबूत मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने एक बार फिर से पूछताछ की तो वो सवालों के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। वो वारदात की ऐसी षड्यंत्रकारी निकली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अपने अवैध प्यार को परवान चढ़ाने और प्रेमी के साथ दुनिया बसाने की ख्वाहिश में उसने पूरा जाल बुना था। इसके बाद पुलिस ने उसके प्रेमी योगेश को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ की गई तो चौंकाने वाली कहानी निकलकर सामने आई। दरअसल राजेश से शादी के बाद दीपिका की जिंदगी आराम से बीत रही थी। दोनों के बीच प्यार भरे विश्वास का मजबूत रिश्ता था। राजेश सीधा साधा युवक था, जबकि दीपिका ठीक इसके उल्टे तेज तर्रार और फैशन प्लस युवती थी। 2 साल पहले योगेश ने रायपुर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में ठेके पर कुछ काम किया था। इस दौरान वो एक गेस्ट हाउस में रहा। वो गेस्ट हाउस राजेश के घर के ठीक पीछे था। योगेश मूल रूप से हरियाणा के करनाल शहर का रहने वाला था और देहरादून में छोटे मोटे ठेकेदारी का काम करता था। वो राजेश की दुकान पर भी आता था। इस नाते दोनों के बीच जान पहचान हो गई थी। दीपिका जब भी छत पर कपड़े सुखाने जाती तो योगेश उसे अपलक निहारता रहता था। पहली ही नजर में उसने दीपिका को हासिल करने की ठान ली थी। दीपिका को पाने की चाहत में योगेश ने धीरे धीरे राजेश से दोस्ती गांठ ली। दोस्ती मजबूत होने पर वो उसके घर भी जाने लगा। इस दौरान उसकी मुलाकात दीपिका से भी हुई। कुछ दिनों में ही दीपिका ने योगेश की आंखों में अपने लिए चाहत देख ली। दोनों के बीच दोस्ती हो गई और वे मोबाइल पर बातें करने लगे। राजेश को पता नहीं था कि जिस दोस्त पर वो आंख मूंद कर विश्वास करता है वो आस्तीन का सांप बनकर उसके घर की इज्जत तार तार करने की शुरुआत कर रहा है। जब दीपिका योगेश के आकर्षण में बन गई तो दोनों ने अपने रिश्ते को प्यार का नाम दे दिया। अब दीपिका बहाने से घर से बाहर जाती और योगेश के साथ घूमती। इस बीच योगेश ने तहसील चौक के पास एक रेस्टोरेंट खोल लिया और खुद
गोविंदगढ़ में रहने लगा। दीपिका पति को धोखा देकर योगेश के सपने देखने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके बीच मर्यादा की दीवार गिर गई। इसके बाद तो जब कभी राजेश व प्रेम सिंह बाहर होते तो वो योगेश के साथ अपना समय बिताती। राजेश को पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी उससे बेवफाई करके क्या गुल खिला रही है। दोनों के रिश्ते भला कब तक छिपते। आखिर एक दिन राजेश के सामने ये राज उजागर हो ही गया। उसने अपने ही घर में दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। पत्नी की बेवफाई पर राजेश को गुस्सा आ गया। उसने दीपिका की पिटाई कर दी और योगेश को भी खरी खोटी सुनाकर अपनी पत्नी से दूर रहने की हिदायत दी। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन बाद में दोनों ने फिर से गुपचुप ढंग से मिलना शुरू कर दिया। पर राजेश से कोई बात छिपी नहीं रही। नतीजतन इन बातों को लेकर घर में आए दिन झगड़ा होने लगा। दीपिका चाहती थी कि उस पर किसी तरह की बंदिश ना हो। वो ढीठ हो चुकी थी। अपनी गलती मानने के बजाय वो पति से बहस करती। राजेश अपना घर बर्बाद होते नहीं देखना चाहता था, लिहाजा वो समय समय पर परिवार और बच्चों का वास्ता देकर दीपिका को समझाने की कोशिश करता। पर उसके दिमाग में पति की बात नहीं घुसती थी, बल्कि एक दिन तो बेशर्मी दिखाते हुए उसने पति से कह दिया, मेरे पास एक रास्ता है कि तू मुझे तलाक देकर आजाद कर दो, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। राजेश को पत्नी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो सारी हदों को लांग गई थी। उसकी बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया तो उसने दीपिका की पिटाई कर दी। दीपिका राह से इतनी भटक चुकी थी कि वो राजेश को भूलकर योगेश से जुनून की हद तक प्यार करती थी। कई दौर ऐसे आए जब उसने योगेश को नकद रुपए भी दिए। ये रकम 2.5 लाख तक पहुंच चुकी थी। राजेश मानसिक तनाव से गुजर रहा था। वो इस कदर परेशान हो गया कि उसने तलाक की बात मान लेने में ही भलाई समझी। दोनों तैयार हुए, लेकिन बेटे को लेकर बात अटक गई। राजेश बेटे को अपने साथ रखना चाहता था, जबकि दीपिका उसे देने को भी तैयार नहीं थी। कभी कभी राजेश गुस्से में उसकी पिटाई भी कर देता था। अपने पिटाई की बात दीपिका जब योगेश को बताती तो योगेश गुस्से में तिलमिलाकर रह जाता था। उसे ये कतई पसंद नहीं था कि राजेश उसकी प्रेमिका पर हाथ उठाए। रिश्तों की कड़वाहट इस तरह बढ़ गई थी कि दीपिका अपने बेटे के साथ बेडरूम में सोती थी, जबकि राजेश ड्राइंग रूम में सोता था। दीपिका अपना आचरण बदलने को तैयार नहीं थी और राजेश उसकी शर्तों पर तलाक नहीं देना चाहता था। रिश्तों में नफरत भर चुकी थी। दीपिका तो विवेकहीन हो चुकी थी। वो अब हर सूरत में हमेशा के लिए योगेश की होना चाहती थी। योगेश भी इन बातों से परेशान हो गया था। राजेश के रहते ये संभव नहीं था, इसलिए दोनों ने राजेश को रास्ते से हटाने का खतरनाक फैसला कर लिया। ये काम योगेश के अकेले के बस का नहीं था। उसके रेस्टोरेंट पर पप्पू व डब्बू नाम के दो युवक अक्सर आते थे। वे दोनों दबंग प्रवृत्ति के थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनके बारे में वो ज्यादा नहीं जानता था। उसे वो काम के मोहरे नजर आए। योजना के अनुसार योगेश ने बहुत जल्द उनसे दोस्ताना रिश्ते बना लिए। एक दिन बातों बातों में योगेश ने कहा, तुम दोनों को लखपति बनाने का एक प्लान है मेरे पास। क्या? पप्पू ने पूछा। मेरे लिए तुम्हें एक काम करना होगा जिसके बदले में तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। कहने के साथ ही योगेश ने उन्हें अपने मन की बात बता दी। पैसों के लालच में दोनों हत्या में उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन उसने दीपिका से बात की और उससे 50,000 रुपए लेकर बतौर पेशगी दोनों को दिए। इसके बाद दीपिका व योगेश उचित मौके की तलाश में रहने लगे। उन्होंने 3 मार्च 2017 की रात हत्या करना तय कर लिया। उस रात प्रेम सिंह अपने कमरे में और राजेश ड्राइंग रूम में नींद के आगोश में थे, लेकिन दीपिका के आंखों से नींद कोसों दूर थी। योगेश ने दीपिका को फोन किया तो उसने अपने घर का पिछला दरवाजा खोल दिया। फिर रात तकरीबन 12 बजे के बाद घर के पिछले दरवाजे से पप्पू और डब्बू के साथ योगेश घर में दाखिल हुआ। दीपिका तीनों को ड्राइंग रूम में ले गई। वे अपने साथ गला दबाने के लिए रस्सी भी लाए थे। राजेश उस वक्त गहरी नींद में था। पप्पू और डब्बू राजेश के गले में रस्सी डाल रहे थे कि उसकी आंख खुल गई। मौत का एहसास होते ही वो बचाव के लिए उनसे उलझ गया, लेकिन उन सभी ने उसे दबोच लिया। इस बीच दीपिका ने रसोई में से 2 चाकू लाकर उन्हें दे दिए। उन्होंने पहले रस्सी से उसका गला दबाया, इसके बाद चाकुओं से तबातोड़ वार किए। दीपिका ने उसके पैर पकड़ लिए थे। योगेश के मन में राजेश के प्रति इसलिए नफरत थी क्योंकि वो दीपिका को पीटता था, इसलिए उसने उसके शरीर पर सबसे ज्यादा वार किए थे। इस बीच आवाज सुनकर दूसरे कमरे में सो रहे राजेश के पिता प्रेम सिंह वहां आ गए। अपनी आंखों से मौत का नजारा देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। प्रेम सिंह को देखकर सभी के चेहरों पर हवाइयां उड़ गई। उनका इरादा प्रेम सिंह की हत्या का नहीं था,
चूंकि उन्होंने राजेश की हत्या करते देख लिया था, इसलिए उनकी भी हत्या का फैसला कर लिया गया। उन्होंने मिलकर प्रेम सिंह को दबोच लिया और चाकुओं से ताबड़तोड़ प्रहार करके उनकी भी हत्या कर दी। पति व ससुर की सांसों की डोर टूटने से दीपिका खुश हुई। इसके बाद पप्पू और डब्बू वहां से चले गए। फिर दीपिका व योगेश ने मिलकर खून साफ किया और दोनों शवों को चादर व कंबल में बांधकर कार में रख दिया। योगेश ने चाकू और राजेश का मोबाइल भी रख लिया। सुबह सुबह वो कार लेकर वहां से चला गया। रास्ते में लाड़पुर के जंगल में उसने सारा सामान फेंक दिया था। इससे पहले उसने मोबाइल बंद कर दिया था। कार उसने कुआं वाला में सड़क किनारे छोड़ दी। उसने कपड़े से कार में आग लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद उसने फोन करके दीपिका को शव को ठिकाने लगाने की जानकारी दे दी और अपने घर चला गया। योजना के अनुसार दीपिका ने अपने मासूम बेटे को अच्छे से रटवा दिया था कि कोई भी पूछे तो बताना है कि उसने पापा को जाते हुए बाय किया था। शाम ढले दीपिका ने पति व ससुर के बुलंदशहर जाने की झूठी कहानी गढ़कर उनकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। अपने घर को भी उसने पूरी तरह दुरुस्त कर दिया था। ये काम इतनी सफाई से किया गया था कि घर की तलाशी लेने पर पुलिस भी वहां से कोई सबूत नहीं जुटा पाई थी। योगेश की निशानदेही पर पुलिस ने खून से सने चाकू और सोफा के कवर बरामद कर लिए थे। विस्तार से पूछताछ करने के बाद अगले दिन यानी 6 मार्च 2017 को पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था और पुलिस हत्या में शामिल दोनों अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। दीपिका ने बेलगाम ख्वाहिशों के चलते प्रेमी के साथ अलग दुनिया बसाने का ख्वाब पूरा करने के लिए जो रास्ता चुना वो सरासर गलत था। उसने अपनी ख्वाहिशों पर काबू रखा होता और विवेक से काम लिया होता तो एक हंसता खेलता परिवार बर्बादी के कगार पर कभी नहीं पहुंचता। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।